किचन विद नौरीन में मैं हूँ आपके साथ। और आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े की बनती है, बच्चों को बहुत पसंद है, बड़ों को भी बहुत पसंद होती है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कैलिज़ॉन, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही जल्दी से ये बन जाती है। तो सबसे पहले हम इसका डो तैयार करेंगे, तो डो की चीज़ें आपको नज़र ही आ रही होंगी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलो जल्दी से हम इसके डो को तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1.5 कप मैदा, और यहाँ पर मैंने ले लिया है लुक वार्म वाटर, तो इसको हम इसमें डालेंगे हसब ज़रूरत। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है, ये 1 कप के बराबर है, और इसके अंदर जाएगी 1 टीस्पून ईस्ट, ये एक्टिव है, और इसमें जाएगा नमक 1/2 टीस्पून, और 1 टीस्पून जाएगी इसके अंदर चीनी, और 1 टेबल स्पून ऑयल भी जाएगा, तो वो मैं भी डालूंगी आगे, तो आपको दिखाती हूँ। तो इसके अंदर हम डाल देंगे सबसे पहले ईस्ट, साथ में ही डाल देंगे नमक, चीनी, इसको मिक्स कर लेंगे पहले। और अब मैं डालूंगी इसके अंदर ऑयल, तो ये 1 टेबल स्पून डाल दिया मैंने इसके अंदर ऑयल, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से, ताकि हमारा ऑयल हर तरफ मैदे में मिक्स हो जाए। और इसको हमें पिज़्ज़े की तरह बहुत देर के लिए जो है वो रखना भी नहीं है, जल्दी से ये तैयार हो जाएगा। बस इसको 20 मिनट्स के लिए रखेंगे या 15 मिनट्स के लिए, तो इतनी देर में हम इसकी फिलिंग को तैयार कर लेंगे। ये मिक्स हो गया, अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मैं डालूंगी पानी, तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये आटा सारा मिक्स हो गया है। अब इसको मैं मसल मसल के 5 मिनट तक के लिए इस तरह से नीट करूंगी, ताकि अच्छा सा डो तैयार हो जाए। तो इसको इस तरह से मसल मसल के इतना करूंगी कि ये स्टिकी जो है ये नहीं रहेगा, ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, इतना इसको मसल मसल के मैंने स्मूथ करना है। तो ये देखें इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट किया है, बल्कि 5 मिनट से भी थोड़ा कम ही किया होगा, ये देखें थोड़ा सा ही था ना आटा, इसलिए ये कितने अच्छे से जो है वो रेडी हो गया, ये बिल्कुल देखें चिपक भी नहीं रहा है। तो बस इसको मैं ढक के रखूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, तो इतनी देर में हम अपनी फिलिंग तैयार करते हैं। तो इसको मैं रखती हूँ ढक के। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक फ्राई पैन, और इसके अंदर मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून के बराबर ऑयल, ये मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, आप नॉर्मल वाला भी डाल सकते हैं। इसके अंदर मैं डालूंगी अब एक छोटी सी, मेरे पास प्याज थी बिल्कुल, उसको मैंने इस तरीके से ऑमलेट कट कर लिया है, ये डाल दूंगी मैं। बस इसको हमने हल्का सा सॉटे करना है, ताकि बस ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो बस हमारी प्याज जो है वो सॉटे हो गई है, बस इस तरह से ट्रांसपेरेंट हमने करनी है। तो अब मैं डालूंगी इसके अंदर चिकन का कीमा, और ये कीमा मेरे पास तकरीबन 200 ग्राम के बराबर है, तो डाल देंगे इसके अंदर, और ऑयल ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम इसकी ये फिलिंग तैयार कर रहे हैं। बस इसका कलर चेंज होने तक हम इसको ऐसे ही पकाएंगे, फिर इसके बाद हम इसके अंदर बाकी के स्पाइसेस डालेंगे। तो चिकन का कलर जो है वो ऑलमोस्ट चेंज हो गया है, तो अब मैं डालूंगी इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट, मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून के बराबर जीरा, साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, स्पाइस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कुटी हुई काली मिर्च डालूंगी इसके अंदर 1 टीस्पून, नमक डालूंगी इसके अंदर मैं 1/2 टीस्पून के बराबर, बहुत थोड़ी सी हमारी चिकन है तो बिल्कुल थोड़ा सा ही नमक डालेगा इसके अंदर। बिल्कुल थोड़ी सी इसके अंदर मैं 1/4 टीस्पून से भी आप समझ लें 2-3 चुटकी के बराबर जो है मैं इसके अंदर डालूंगी हल्दी पाउडर,
इसको मिक्स करेंगे। ये बस मैंने जो है बोनलेस ब्रेस्ट पीस को जो है बिल्कुल छोटा छोटा कर लिया है कीमे की तरीके से, आप कीमा भी ले सकते हैं इसके अंदर, और मैंने बस इस तरीके से कर दिया। अब इसके अंदर मैं डालूंगी बिल्कुल थोड़ा सा पानी, तकरीबन 2-3 टेबल स्पून के बराबर। क्योंकि चिकन है हमारी ये तो वैसे ही बहुत जल्दी गल जाएगी, बल्कि अभी ये देखें ये टेंडर हो चुकी है, तो बस इसको जो है मैं 3-4 मिनट के लिए जो है हल्की आंच पे रखूँगी, ताकि ये थोड़ा सा पानी भी ड्राई हो जाए इसका और अच्छे से हमारी चिकन जो है वो तैयार हो जाए। और फ्लेम मैंने मीडियम पे रखा हुआ है, तो चिकन जो है वो हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो अब मैंने चूल्हे को कर दिया है बंद, तो अब मैं इसको निकालती हूँ किसी प्लेट वगैरह के अंदर और इसको ठंडा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी चिकन जो है वो थोड़ी सी ठंडी भी हो गई है, कम्प्लीटली नहीं हुई है लेकिन थोड़ी हो गई है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप मोज़रेला चीज़, और यहाँ पे ये मैंने ली है पिज़्ज़ा सॉस, ये मैंने तकरीबन 4-5 टेबल स्पून ली है। तो ये चीज़ें हो गई। अब जो है तकरीबन 15 मिनट भी हो चुके हैं हमारे डो को रेस्ट करते हुए, तो चले अब हम जो है जल्दी से अपने कैलज़ोन बनाना स्टार्ट करें। तो ये देखें डो जो है हमारी अच्छे से तैयार हो गई है, इसको एक दफ़ा इस तरह से करेंगे क्योंकि इसको अभी कम ही टाइम हुआ है गूंथ के हमने रखे हुए, तो ये बहुत ज़्यादा जिस तरीके से पिज़्ज़ा होता है उस तरह से राइस नहीं हुई है, और उस तरह से हमें राइस करनी भी नहीं है। तो ये हो गया, इसको जो है मैं अब 4 हिस्सों में डिवाइड करूँगी और फिर बनाते हैं इसके क्या रोज़। छोटे बड़े आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, इस रेसिपी को आप डबल भी कर सकते हैं। तो ये देखें 4 बन गए हैं, तो इसको अभी हम 3 को उठा के रख देंगे और 1 को जो है हम रोल करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा मैदा भी लगा लेंगे, वैसे ये बिल्कुल भी स्टिक तो नहीं हो रहा है। इसको इस तरीके से पतली थोड़ी हम रोटी बनाएंगे, जितनी हम पराठे के लिए बेलते हैं उतनी हम इसकी बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने रोटी बना ली है इसकी, ये देखिए ज़्यादा पतली नहीं है ना ज़्यादा मोटी है, बस पराठे की तरह से हमने इसको बनाना है। तो अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी पिज़्ज़ा सॉस और थोड़ी थोड़ी हम किनारों से रोक लेंगे। इसके अंदर आप वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, मशरूम डाल सकते हैं, ऑलिव्स डाल सकते हैं और कैप्सिकम जो भी आपके पास हो वो आप डाल सकते हैं। इस तरह से डाल देंगे इसको। मोज़रेला चीज़ डालेंगे और मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ी सी हलापेनोस। अच्छा नहीं है, अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिएगा, लेकिन लगती बहुत मज़े की है, तो बच्चों के लिए बना रहे हैं तो नहीं डालिएगा बिल्कुल ये। और इसको उठा के इसको पहले हम फिंगर से इस तरह से दबा देंगे। मैंने 2 बना के रख लिए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो 2 मैं बनाऊंगी चूल्हे पे और 2 मैं बनाऊंगी इसको अपने एयर फ्रायर के अंदर। बस इस तरीके से इसको हम मोड़ते जाएंगे ताकि अंदर की जो हमारी फिलिंग है वो बाहर ना निकले, लेकिन मेक श्योर कर लीजिएगा पहले इस तरीके से इसको दबा लें। ये रेडी हो गया। अब हमने इस पर क्या करना है, हमने इस पर लगाने हैं इस तरीके से कट्स,
ताकि इसके अंदर जो है, वैसे भी देखें इसके अंदर थोड़ी थोड़ी एयर लग रही है, तो यहाँ से एयर निकल सके, दो तीन लगा देंगे, लेकिन इस तरह से लगाएंगे कि ये थोड़े से खुले हुए हो, बहुत हल्के हल्के लगाएंगे तो वो बंद हो जाएंगे जब ये बेक होगा, इस तरह से। और ये देखिए, ये दो मैंने बना लिए हैं, तो इसके ऊपर मैंने दूध लगा दिया है, हल्का सा ब्रश करेंगे बस इस तरह से। और ये वाले जो है मैं रखने जा रही हूँ अपने, जो मैं कढ़ाई के अंदर बेकिंग करती हूँ तो उसके अंदर रखने जा रही हूँ, तो इसको मैं रखूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, देखते भी रहेंगे साथ साथ कि ये कितना हो गया है। तो ये देखिए, मैंने प्री हीट कर लिया था अच्छे से अपनी कढ़ाई को, और अभी इसको मैं कवर कर दूँगी, और ये नज़र भी आता रहेगा कि ये किस तरह से बेक हो गया। तो इसको मैं रखूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। तो दूसरा भी बना लेंगे इसी तरीके से, पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे, एक एक इंच के करीब जो है वो हम ज़रा छोड़ देंगे किनारों से। और ये जो दो बना रही हूँ मैं, ये मैं डालूंगी अपने एयर फ्रायर के अंदर, ऑलिव्स भी डाल सकते हैं इसके अंदर, बहुत मजे के लगते हैं। और अगर चाहें तो थोड़ा सा ओरिगैनो भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, मैं भूल गई थी बाकियों के अंदर, तो इसके अंदर थोड़ा सा कर दूंगी मैं। जब हमारे कैलजोन जो है वो हाफ डन हो जाएंगे तो फिर हम उसको जरा निकालेंगे, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ी सी जो है वो मोज़रेला चीज डाल के उसको बेक करेंगे। अगर अभी ही हम कर देंगे तो वो सारी ऊपर से जल जाएगी, तो जब वो हाफ डन हो जाएगा तो उसके बाद हम करेंगे। इसको आप छोटे भी बना सकते हैं, बड़े भी बना सकते हैं, इस तरह से बना के भी रख सकते हैं, ईद पे भी उसको निकाल सकते हैं, बच्चे तो बहुत खुश हो जाते हैं इससे। तो ये देखिए, ये मैंने एक डाल दिया है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये इसके अंदर फिक्स है एक, तो दो नहीं आ रहे थे, तो मैंने एक रख दिया है अभी इसके अंदर। और अब मैं लगाऊंगी इसके ऊपर, हल्का सा दूध लगा दूंगी ताकि ये अच्छा सा कलर आए इसका, और पहले मैं इसको रखूंगी 10 मिनट्स के लिए, और उसके बाद हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे ऊपर से चीज़, और फिर दोबारा से बेक करेंगे। तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया है, और इसको मैंने लगाया है अभी 8 मिनट के लिए, तो उसके बाद हम देखेंगे, और फिर इसके ऊपर मैं डालूंगी चीज़ और फिर दोबारा से इसको बेक करूंगी। और इसको मैंने 160 पे रखा है अभी, 180 पे नहीं किया इसको, मैंने 160 पे रखा है। ये 8 मिनट में जो है इस तरीके से ये हो चुका है, तो इसके ऊपर मैं डालूंगी अब मोज़रेला चीज़ इस तरह से, ये गर्म है बहुत ख्याल से। तो ये देखें, इसके ऊपर मैंने डाल दी है, अगर आप चाहें तो नहीं डालिएगा क्योंकि अंदर भी हमने डाली है। तो और अब मैं इसके ऊपर करूँगी थोड़ा सा स्प्रिंकल, कर देंगे इसके ऊपर हम ओरिगैनो, और इसको दोबारा से बेक करेंगे तकरीबन, दोबारा से करेंगे 5 मिनट के लिए। तो ये जो है वो बेक हो रहा है, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं अपने चूल्हे वाले के वो किस तरह से हो रहे हैं बेक। तो ये देखें, इसको अभी 10 मिनट हुए हैं और उसको 8 मिनट हुए थे, तो ये देखें अच्छे से फूल गए, लेकिन अभी इस पर कलर नहीं आया है, तो अभी हम इसको रखेंगे और कलर करने के लिए, जब इसका अच्छे से कलर आ जाएगा तो हम इसको निकालेंगे। तो इसके ऊपर भी जो है हम खोलेंगे इसको, ये देखें कितने अच्छे से हो रहे हैं, ये हो गए काफ़ी, लेकिन अभी पूरा डन नहीं हुए हैं क्योंकि इसका कलर नहीं आया है। तो इसके ऊपर भी मैं डालूँगी चीज़ इस तरह से, ख्याल से डालेंगे नीचे ना गिरे। बहुत मजे के बनते हैं ये, आपने इसको जरूर ट्राई करना है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा ओरिगैनो डाल दूंगी मैं,
और चाहें तो थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो ये वाले जो है बच्चों के लिए बन रहे हैं, इसमें हैलोपिनोज भी नहीं डाली है मैंने, तो इस पर मैं नहीं डालूंगी। जो अभी एक रह गया है उसके ऊपर मैं थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल दूंगी। तो एयर फ्रायर वाला जो है वो हमारा रेडी हो गया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, ये देखें लाइट पड़ी थी इसके ऊपर। तो इसको निकालती हूँ मैं, जो एक रह गया उसको भी मैं इसी तरीके से बेक कर लूँगी इसके अंदर। और जो चूल्हे पर है अभी उसमें टाइम है, तो ये ज़रा जल्दी हो गया, तो इसको मैं निकालती हूँ और दूसरा वाला रखती हूँ। तो ये देखिए मज़ेदार से कैलेजॉन जो है बनके तैयार हो गए हैं। और ये दो जो हैं ये मैंने अपने एयर फ्रायर में किए हैं, और ये वाला जो है चूल्हे पे किया है। तो बहुत ही मज़े के ये बनके तैयार हुए हैं। तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि कैसी बनी, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक और सिंपल और मज़ेदार रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाज़िर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।